हेलो नमस्कार भेंदुमार चरण में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले और एक सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों को सरकारी आदेश जारी किया गया 2/5/2023 को, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। ठीक है, पूरी विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना अपडेट पाने के लिए। कलेक्टर कार्यालय शिवपुर 2/5/2023 को आदेश लिखा भेजा गया, कारण बताओ सूचना जारी की गई। विरुद्ध मनोज कुमार जाटव सहायक ग्रेड 2 और लेखा शाखा प्रभारी है, कार्य खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड शिवपुर, यहाँ पर ये आदेश भेजा गया है। कारण बताओ नोटिस, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला 6 महीने का, तो इसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अतएव आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 2/5/2023 को जनसुनवाई के दौरान जिले में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर विगत 4 माह जनवरी से मानदेय भुगतान न होने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी। साथ ही उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि लोक शिक्षा विभाग संचालन मध्य प्रदेश भोपाल आवंटन आदेश क्रमांक IT/SEL अतिथि शिक्षक बजट 2022-23 869 भोपाल दिनांक 9/3/2023 के द्वारा सत्र 2022-23 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु आपके DD कोड 400, 200 और 305 को 19 लाख रुपये मात्र का बंटन भी जारी किया गया था। इसके बावजूद आपके द्वारा बंटन का उपयोग समय सीमा में न करते हुए उपयुक्त राशि को लेस करा दिया गया है, यह कृत वित्त हानि की श्रेणी में आता है। आप आज ही अवगत कराएं कि आपके विकास खंड अंतर्गत अतिथि शिक्षकों कार्यरत है, उपयुक्त अतिथि शिक्षकों में कितने अतिथि शिक्षकों को आपके द्वारा मानदेय भुगतान कब तक कर दिया गया है तथा कितने अतिथि शिक्षकों को कब तक मानदेय का भुगतान लंबित है। कारण सहित साथ ही संचालन के पत्र क्रमांक 9/3/2023 के द्वारा आवंटन कि मैं कितना बंटन का उपयोग किया गया है, शेष बंटन का क्या किया गया इसकी जानकारी दें। आपके द्वारा लंबे समय से लंबित बंटन का उपयोग ना किए जाने के कारण जिले के अतिथि शिक्षक 4 माह से मानदेय न मिलने के कारण परेशान हो रहे हैं, जो कि दायित्व को निर्वहन की लापरवाही का द्योतक है। आपके कृत्य के कारण कर्मचारी अनावश्यक परेशान हो रहे हैं तथा विभाग की छवि भी वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष धूलित हुई है, तो आपके कार्यशैली का प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आपके कर्तव्य के निर्वहन की गंभीरता एवं कर्तव्य परिणाम एवं संघिष्ट व्यवक्षत होने के कारण सिविल सेवा नियम 1965 नियम 3A उल्लंघन करता है। आपका उपयुक्त कृत्य कदाचार भी श्रेणी में आता है, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत कार्रवाई किए जाने के आधार प्रदान करता है। उपयुक्त अतः आप उपयुक्त संबंध में आपका जवाब ही कार्यकालीन समय में 5 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जानकारी के साथ जवाब प्राप्त न होने पर संतोषजनक न होने की स्थिति में आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही